आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव, हर खबर के साथ। आज की राजनीतिक खबर, आपको याद होगा अपनी पार्टी से बगावत कर इसी 2 जुलाई 2023 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने अपने समर्थकों के साथ महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हुए और शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तभी से राष्ट्रवादी पार्टी दो गुट में परिवर्तित हो गई, एक राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार गुट, दूसरी राष्ट्रवादी पार्टी अजीत पवार गुट। इसी कड़ी में थाने शहर में अजीत पवार गुट के थाने जिला अध्यक्ष आनंद परांजपे और प्रदेश महासचिव नजीमुल्ला ने बगावती तेवर के साथ आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कहा कि 27 जुलाई को थाने में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मध्यवर्ती कार्यालय का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के हाथों होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने थाने के पुराने राष्ट्रवादी कार्यालय की आलोचना करते हुए कहा कि यह नवीन कार्यालय आज़ादी से सांस लेने में सहायक साबित होगा, पुराने कार्यालय में दम घुट रहा था। आगे देखिए पूरी खबर विस्तार से। सम्माननीय उप मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय नेते अर्थमंत्री अजीत दादा पवार साहब के शुभ हस्ते, माननीय खासदार व प्रदेश अध्यक्ष तटकरे साहब और इतर मान्यवर के प्रमुख उपस्थिति पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का नया कार्यालय का उद्घाटन 27 तारीख को शाम को 6:30 बजे किया जाने वाला है। वो तो एक टेम्पररी जगह हमारे विधायक जी ने दी थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए, वो कोई कार्यालय का स्वरूप नहीं था, एक छोटी सी टेम्पररी बैठने की जगह थी। कोई भी इतनी बड़े सत्ता में रहने वाले, कई साल विपक्ष की प्रमुख भूमिका निभाने वाले, इतने बड़े पक्ष का कार्यालय थाने जैसे हलके के अंदर जिधर 35 से ज़्यादा नगर सेवक है, उनका कार्यालय के 100-150 फुट में रहेगा? वो तो एक अपने प्राइवेट इमारत के अंदर उन्होंने एक छोटी सी जगह दी थी और बोर्ड लगा दिया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष कार्यालय, क्योंकि पक्ष उनको अपने पास रखना था, पक्ष की विचारधारा, मैं बोले तो पक्ष की भूमिका, वो उनके पास रखना था, इसके लिए उन्होंने जगह बैठने को हमको दी थी। आगामी चुनाव में किस तरह की तैयारी रहेगी अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से उतरेगी, खुले विचारों से उतरेगी। पहले से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आज़ादी से सांस लेने का मौका नहीं दे रहा जा रहा था, अभी हम लेंगे और जो हमारी जिधर जिधर ताकत है वह हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। कौन कर रहा है उससे ज़्यादा क्या मांगनी है और नागरिकों को विश्वास में लेके काम करेंगे। जैसे बोलने आज़ादी से सांस लेने की बात, किस तरह का घुटन आप महसूस कर रहे थे? आप जाके कलवा मुमरा के नगर सेवक से पूछिए, 4 नगर सेवक समाजवादी से 2012 में राष्ट्रवादी में आए, फिर 4 नगर सेवक कांग्रेस पक्ष से राष्ट्रवादी में आए, कलवा मुमरा के अंदर इतर पार्टी के लोग राष्ट्रवादी में आए और राष्ट्रवादी आने के बाद में पूरी राष्ट्रवादी हो गई। बट क्या आज हाल है उधर का, कौन से लोक प्रतिनिधि खुश है? वो कुछ मांगनी करे तो उनको बदनाम करने का काम, पैसे खाने के लिए। तो ठेकेदार आपके घर का क्यों, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ठेकेदार के पैसे कौन लेता है, कमीशन कौन लेता है, टेंडर के लिए कौन बैठता है, कचरे के टेंडर से लेके आखिर के टेंडर तक कौन रहता है, ये पूरी महापालिका को मालूम है। सिर्फ बिल्ली की तरह दूध पीते वक्त आग बंद करे और सोचे कि दुनिया देख नहीं रही है तो इसका मतलब कि कोई उसे दूध पीते देख नहीं रहा है, या ऐसा मामला नहीं है। नया मध्यवर्ती कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय नामदार अजीत दादा पवार साहब, हमारे प्रांताध्यक्ष सांसद सुनील जी तटकरे साहब, महिलाओं की प्रदेश अध्यक्ष सौ रूपालीताई चाकणकर, युवकों के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जी चव्हाण, इन सभी के उपस्थिति में माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब के शुभ हस्तों से गुरुवार दिनांक 27 जुलाई 2023 को शाम को 6:30 बजे E5 फ्लावर वैली विवियाना मॉल के सामने के सर्विस रोड पे इस भव्य कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है। आप सभी की ओर से मैं थाना की जनता से भी अपील करूंगा कि उस उद्घाटन में आइए, राष्ट्रवादी का ये नया मध्यवर्ती कार्यालय है, इसका शुभारंभ होने जा रहा है।